भाई मोमिन है इकबाल साहब के, छोड़ दिया आपने भी। मैं आपको पक्का मोमिन तो नहीं बोलूंगा, ऐसी 50% समझ लो। बस यही नमाजें पढ़ते थे शर्त भाई क्या? जी, नमाजें तो पढ़ता था, अब हाँ, कितने भी टाइम की पढ़ता पढ़ते हूँ। थे? अभी भी पढ़ते हैं? हाँ, 5 टाइम की पढ़ता था। मतलब अच्छा, अभी कितने टाइम की पढ़ते हैं? जो मेरा घर का माहौल है ना, थोड़ा दीनदार है, समझ रहे? अगर नहीं पढ़ूंगा तो पीछे पड़ जाते तैयार सुना दे हैं। प्यारे भाई इकबाल भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यार आपकी आपके पढ़ने में यानी काफी काफी साफ पढ़ रहे हैं आप। क्या मदरसे उदरसे से सीखे थे क्या? क्योंकि नॉर्मल मोमिन जो है इतना साफ अदायगी नहीं करता है हुरफों की। हाफिज हूँ मैं, हाफिज हूँ। देखिए कैसा मैं पकड़ लेता हूँ ना हाफिज साहब। मतलब मैं कह रहा था, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, हाँ, तो आप कह रहा कंफ्यूजन दूर था हो गया? निकले पूरी तरीके से? नहीं निकले? पूरी तरीके से। मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, जैसे कोई मुझे बोल, जैसे जैसे आप बोल रहे हो ये है वो है, थोड़ा बहुत जैसे आपकी शॉर्ट देखता हूँ मैं, जैसे आपने तो मैं थोड़ा देखता हूँ। मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, जिसमें कुरान हदीस की हिंदी में पढ़ना चाहिए हिंदी में मिल जाती है, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए इंग्लिश में मिल जाती है, तो मैं रेफरेंस चेक करता हूँ। हाँ, बस अच्छा वही, इतना किस वजह पढ़ता, से इतना अभी पढ़ता टिके हूँ। हुए वो बताओ, ताकि हम जो है ना उस पे रोशनी डाले कुछ। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो थोड़ा बहुत भी आप इस्लाम में टिके हुए हैं वो बता दे, ताकि उस वो भी आपसे छुड़ा दे, ताकि पूरी तरीके से आप पाक साफ हो जाए। अभी जो थोड़ी बहुत गंदगी में आप पड़े हुए हैं जरा उसको भी निकाल देते उससे पहले। दोस्तों दिल थाम के बैठ लो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हमारे दिलों की धड़कन, हमारी आंखों के नूर, इस चमकते हुए सितारों के सितारे, हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ चुके हैं और सलामुल इश ब्रदर। सलाम आदम भाई, इश हो रहा है। लेकिन मैं इसीलिए आया था कि मैं पहले देख रहा था यार कोई तो जेंगू बंदा है, लेकिन बहरहाल ये हाफिज हैं, तो यार आज इनको यहां से निकाल ही दें यार, इश मिले हैं हाँ इनको। वही मैं कहा कि जो थोड़ा बहुत गंदगी में बचे हैं वो भी इनकी गंदगी पाक कर देते। जी हाफिज साहब, आपने वजह नहीं बताई है, वो तो आपने ठीक है आपने वजह बताया मेरी ये है, कि जैसे हाँ वजह मेरी सुनो। मतलब हाँ वजह मेरी ये, जैसे मैं काम करता हूँ, कभी मुझे लगता है मतलब डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? या मुझे लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा खुदा को याद कर ले तो थोड़ी शक्ति सी मिलती है, बस यही। खुदा को याद कर लो ना, अल्लाह को क्यों कहते हो? हाँ वो तो आप खुदा को याद कर रहे हैं ना इकबाल साहब। मैं खुदा को याद करता हूँ, मेरा ये मानना है दुनिया में अल्लाह अल्लाह को है या खुदा। रिवर्स गियर लगाते हैं। दुनिया में ढेर जी सारी आइडियोलॉजीज हैं, जी हर आइडियोलॉजी में डिफरेंट टाइप का खुदा मौजूद है। ओके, आपको पता लग गया है कि अल्लाह गलत है। मुझे लगता है ये जो रिलीजन है इंसानों के बनाए हुए हैं। रिवर्स गियर लगाते हैं। आपको पता लग गया कि इस्लाम गलत है। मैं प्रॉपरली नहीं कह सकता इस्लामी गलत है। ओके, यानी कि ओके, तो साहिल का सवाल यही है, क्या वो चीज है जो अभी तक आपको कहती है कि इस्लाम सही है? इस्लाम सही है, सही के लिए तो बहुत कुछ है। मतलब अरे एक एक हाफिज साहब, एक तो आप इसको मैनमेड कह रहे हैं, फिर सही कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इस्लाम का दावा है कि वो मैनमेड नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से। आप कह रहे हैं मैनमेड है, या तो आप सच्चे या तो अल्लाह सच्चा। अगर आप सच्चे तो अल्लाह झूठा हो गया, फिर ऐसे अल्लाह को क्यों मान रहे? नहीं, आपने पहले बोला ना, मतलब क्या चीज है जो आपको रोकी रखी है इस्लाम ने, तो मैं क्या, मैंने कहा ना मैं काम करता हूँ, या मुझे नहीं लगता है नहीं मैं काम एक नहीं सेकंड कर एक सेकंड पा रहा। नहीं, हाँ
अभी मैंने कहा कि फिर खुदा को याद करो, अल्लाह को तो गलत मानते हो, तुमने कहा नहीं, बहुत सारी चीजें जो मुझे इस्लाम में रखे हुए, वो चीज बताओ, वरना अल्लाह नहीं करो, चलो अल्लाह तो झूठा है ना, मान लो ना अल्लाह झूठा है, नहीं झूठा है तो क्यों चलो, नहीं झूठा है वो बताओ। मैंने स्ट्रीम में आना भी शुरू किया है, मुझे आप बता दो मतलब कौन सा खुदा आके, आप बताएं। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, और मेरा ये रूल है जी कि जब तक कोई बंदा अल्लाह और कुरान को नहीं छोड़ता मैं नहीं बताऊंगा। सो वंस अगेन, आप अभी भी कह रहे हो कि अल्लाह सही है, क्यों सही है पहले वो बताओ। मतलब अल्लाह में मतलब आप कह रहे हो वो मतलब अल्लाह का, अल्लाह जो गॉड है बुरा है। अल्लाह गॉड है ही नहीं। अच्छा तो कौन है हाँ गॉड अल्लाह फिर? तो शैतान है, अल्लाह तो शैतान है। तो आदम जी गॉड कौन है फिर? पहले बच्चा अल्लाह खुदा को कौन है मानो फिर? ना कि शैतान है, फिर बताता भी हूं ना। या तो कैसे कहो अल्लाह अल्लाह से बात शैतान नहीं है, कैसे? या तो अल्लाह शैतान आप नहीं है बोल दो। मुझे बताएं कैसे कैसे नहीं है? ओके परफेक्ट। हाफिज किया हुआ, हिफ्ज किया हुआ, कुरान के आयते याद है, जी क्या है? अरबी भी कुरान याद है। याद है अरबी में मतलब? हाँ याद है। चलो भाई जन पढ़े सर 25 की 20। लिया जाला मा यलुक शैतानु फितनतन फितनतन लिल्लदीन फी कुलूबिहिम मरद ओके वलकासियती कुलूबहुम। अब मुझे बेहतरीन, अब यहां पे आप देखें कि शैतान जो है वो फितना क्रिएट कर रहा है। ताकि वे अल्लाह शैतान के डाले हुए संशय को उनके लिए परीक्षण बना दे जिनके दिलों ओके में रोग है। शैतान जो है वो फितना क्रिएट करता है, और अल्लाह कहता है कि वो उनके दिलों में फितना क्रिएट करता है जिनके दिलों में रोग है, करेक्ट। हाँ अभी हमने पिछली आयत में पढ़ा, चैप्टर नंबर 25 की वर्स नंबर 20 में पढ़ा, अल्लाह फितना क्रिएट करता है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 22 की आयत नंबर 53 में पढ़ा, शैतान फितना क्रिएट करता है, और शैतान का फितना जो है वो जिनके दिलों में रोग है उनके लिए है। मुझे बताओ अल्लाह और शैतान अगर दोनों एक ही बात कर रहे हैं तो अल्लाह शैतान है या शैतान शैतान है? कुरान तो अल्लाह की किताब है ना, सारी बात तो अल्लाह ही ताला कह रहा है ना। शैतान कहाँ, शैतान क्यों बोलेगा इधर? ओके अल्लाह खुद कह रहा है कि शैतान फितना बना करता है, और अल्लाह खुद कह रहा है मैं भी फितना करता हूं, तो शैतान और अल्लाह में फर्क क्या हुआ? क्या पहले रिवर्स करते हैं, क्या अल्लाह को शैतानी काम करने चाहिए? तो अल्लाह को शैतानी, अल्लाह क्यों करेगा शैतानी काम? वो अभी आपके सामने कर रहा कुरान एक अलग में। बात है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सवाल ये है। अच्छा नहीं करना चाहिए। ओके तो अल्लाह कर रहा है ना शैतानी काम, आई थिंक वो कितना। गॉड है, वो गॉड है, हाँ अगर हाँ साबित हो जाता है वो जितना गॉड है, वो कुछ भी कर सकता है फिर। ओके वो ओके गॉड कुछ शैतानी भी कर काम भी सकता, कर बेहतरीन। सकता हाँ है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आई गो विद यू। लेकिन क्या गॉड को शैतानी काम करना चाहिए? बेहतरीन। हाँ गॉड को शैतानी काम करना नहीं चाहिए, अगर एक बार साबित हो जाता है तो अगर अल्लाह अल्लाह शैतान, अब सर सुने ना, साबित करेंगे भी, अगर अल्लाह शैतानी काम कर रहा है तो अल्लाह अगर शैतान से बड़ा है तो अल्लाह शैतान से ज्यादा बड़ा शैतानी काम कर रहा है, वरना अल्लाह शैतान जितना शैतानी काम कर रहा है। सो अगर अल्लाह गॉड है तो वो डेविल गॉड है, बिकॉज वो छोटे डेविल से बड़ा फितना क्रिएट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ क्या नाम है, अगर एक मकान का मालिक है, मकान का मालिक तो मकान का कुछ भी कर सकता है ना, जैसे अगर साबित हो जाता बेहतरीन है दुनिया में खुदा एक ही है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, फिर बेहतरीन, तो उसे कोई मकान रोक का टोक नहीं मालिक कर कुछ, सकता कोई। सर मकान का मालिक कुछ भी कर सकता है, लेकिन मकान का मालिक फितना तो नहीं ना क्रिएट कर सकता। अगर मकान का मालिक फितना क्रिएट करेगा मकान के इर्द गिर्द के लोगों के दरमियान, तो बेसिकली तो प्रॉब्लम है ना, या मकान में बसने वाले लोगों के दरमियान, मकान में बसने वाले लोगों को शैतानी काम कराने वाला मकान का मालिक तो नहीं ना हो सकता। सर देखिए, जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान में आप अमन सुकून चाहेंगे या लड़ाई मार कुटाई चाहेंगे? अमन सुकून चाहूंगा जी। बेहतरीन, अगर अल्लाह इस मकान का मालिक है तो, और जी वो इसके अंदर ऐसी हरकत कर रहा है जिससे इस मकान में बेसुकूनी फैले, तो क्या वो मकान का मालिक हो सकता है? अच्छा नहीं, फिर अगर बेसुकूनी पैदा करे तो नहीं, फितना बेसुकूनी होता है ना, नहीं फितना तो सुकून दे नहीं होता।
सुकून देने ही होता, बेसुकूनी होता है, राइट। ओके और वो काम है शैतान का, जो मकान का मालिक नहीं है, जिसका काम है मकान को खराब करना। ये आयत बता रही है आपको। अभी इस आयत में आप देख रहे हो कि अल्लाह वो दिखा रहा है, वो काम शैतान करता है, फितना। आपने देखा यहाँ पे शैतान फितना कर रहा है, शैतान लोगों के दिलों में, जिसको दिलों में रोग होता है, फितना डालता है। बेहतरीन बेहतरीन, यानी कि शैतान जो है उसके पास फुल पावर नहीं है, वो लिमिटेड लोगों के दिल में फितना कर रहा है। नहीं, अगर देखा जाए तो अल्लाह ने शैतान को इतनी पावर दी है ना, वो इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है। यार देखो, बात सुनो, दी है बेहतरीन, चलो मान लेते हैं अल्लाह ने शैतान बनाया, विच इज अनदर प्रॉब्लम। अगर अल्लाह ने शैतान बनाया, अगर अल्लाह ने शैतान बनाया तो एक और मसला है, और अल्लाह ने शैतान को पावर दी है तो ये एक और बड़ा मसला है। कौन सा ऐसा मालक होगा घर का जो अपने ही घर में बाजार से जाके एक गंद ले आए कि मेरे घर में गंद फैलाओ? शैतान एक गंद है, शैतान, हाँ ठीक है, शैतान गंद है एक। यानी कि तुम मुझे कह रहे हो तुम मकान के मालिक है अल्लाह, उसने बाजार से जाके अपने ही घर में गंद फैलाने के लिए एक गंद ले आया। यानी तुम अपने घर में मुझे बताओ, घर बाजार में एक कातिल है, एक रेपिस्ट है, तुम्हें पता है ये कातिल और रेपिस्ट है, तुम उसे अपने घर में लेके आओगे? अगर वो तोबा कर ले तो ला सकता हूँ, वरना नहीं। ओके, शैतान ने तोबा नहीं की भी, और अपने घर में ला के उसे खुला भी छोड़ दोगे और ताकत भी दे दोगे, जाओ जाके फितना क्रिएट करो, रेप करो, सब कुछ करो। हाँ, अगर कोई मकसद हो। ओके, कोई मकसद हो कि तुम अपने घर में खुद अपंगता फैलाना चाहो, बेहतरीन। लाइक तुम जैसा अपंग बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने घर में किसी मकसद से रेपिस्ट को, जिनाकार को, शराबी जुआरी को ला के खुद बसाएगा, ले आ मेरे घर में, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माओ चढ़ जा। नहीं, कंट्रोल तो मेरे हाथ में ही रहेगा ना, फिर भी कहां पे कंट्रोल? शैतान के ऊपर अलग कंट्रोल है। शैतान ने अल्लाह को क्या कहा था? क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, अब मैं जाके पूरी दुनिया को गुमराह करूंगा। यस, कहा था। ओके, तो अल्लाह बोला है शैतान, कुरान में शैतान कह रहा है, बिकॉज यू लेड मी अस्ट्रे, नाउ आई विल मेक एवरीवन गो अस्ट्रे। ये आया चैप्टर नंबर 59 की आयत नंबर 39। क्या कहते हैं सर, हिंदी बड़े बड़े हिंदी? हाँ, हिंदी पढ़ता हूँ। वो बोला, मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सबको बहका दूंगा। क्या लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं हिंदी में साले खोती बच्चे। इसने कहा, मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, लिहाजा मैं दुनिया में जरूर लोगों को गुमराह करूंगा। अगर अरबी पढ़ो, मैडम साहब इन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी, रोमन उर्दू पढ़ी है। ओके, छोड़े, मैं लाता हूँ, छोड़ दे, मेरा स्क्रीन है ये, देखे जरा, हिंदी पढ़ते हैं। काल रबी बिमा अख्वायतनी, क्या सर ये? उसने कहा, रब तूने मुझे गुमराह किया। आगे, ला जैना नहीं, आई विल डेफिनेटली, मैं लाजमन खूबसूरत करके इनको दुनिया के अंदर गुमराह करूंगा। सेम अवी का लफज है, यकवी, गुमराह करने का। अल्लाह क्या कहता है आगे से, ये देखो जरा, वो अल्लाह को चैलेंज कर रहा है। अल्लाह आगे से क्या कहता है? कहता है, हाँ कर ले, मेरे अच्छे बंदों को तू नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अच्छे बंदों को गुमराह कौन करेगा? अल्लाह खुद। ये देखो, अभी तुमने देखा था चैप्टर नंबर 25 की वर्स नंबर 53, ताकि वो शैतान की तरफ से की गई आमिश जिसको फितना बना, इन लोगों के जिनके दिलों में मर्ज हो, ये तो शैतान कर रहा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह 25 के 20 में क्या कर रहा है? अल्लाह बाजों को बाज पे फितना बना रहा है। We have made some of you as trial. Trial नहीं है, फितना है, लफ्ज़ फितना है, for others. फितना, हम
कुछ को कुछ के लिए फितना बना देंगे। अब हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन उन्होंने क्या जलेबी बनाई है, डजंट मैटर, आई डोंट नो क्या बनाई है जलेबी, लेकिन सेम वर्ड फितना, सेम वर्ड फितना। शैतान भी फितना क्रिएट कर रहा है। अल्लाह फितना किसको क्रिएट करता है? अल्लाह फितना क्रिएट करता है अपने अच्छे बंदों में। ये कौन से अच्छे बंदे हैं? हमने जितने भी रसूल भेजे, रसूलों को, अच्छे लोगों को, बाद को बाद पे फितना बना दिया। यहाँ पे शैतान फितना बना रहा है जिनके दिलों में घोट है, अल्लाह फितना बना रहा है जिनके दिलों में घोट नहीं है, शैतान फितना बना रहा है जिनके दिलों में खोट है। दोनों ही एक ही काम करने लगे हुए भाई। अच्छा, इसमें पावरफुल कौन है ज्यादा? मुझे क्या पता है ना? एक एक जिनके दिलों में खोट है, डन। अल्लाह शैतान से बड़ा शैतान है फिर, डन। अल्लाह इज अ बिगर शैतान। शैतान साबित कैसे हुआ? मतलब शैतान के अभी तो यार, अभी तो शैतान साबित हुआ है। अच्छा बात सुनो, अल्लाह कुरान में एक और बात करता है, मोहम्मद से बात करता है, चैप्टर नंबर 28 क्या है, नंबर 15 के अंदर आओ जाते हैं, वहां पे वो तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके समझ आएगी। शैतान गुमराह करता है, ये मानते हैं आप? जी करता है शैतान गुमराह। ओके, अल्लाह ने छूट दे रखी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर शैतान, बल्कि 488 में चलते हैं पहले, बाद में जाएंगे। आपने मुझे अभी बोला अल्लाह गुमराह, शैतान गुमराह करता है। शैतान गुमराह करता है किसको? जिसके दिल में खोट है, राइट? जी जी, बोलने। अल्लाह कहता है जिसको मैंने गुमराह कर दिया, जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया, या मोहम्मद तुम भी इनको हिदायत नहीं दे सकते, इसका क्या करूं मैं? अल्लाह की गुमराही शैतान से अफजल गुमराही है। शैतान गुमराह करे तो कोई हिदायत दे सकता है, अल्लाह गुमराह करे तो कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। अगर तो शैतान गुमराह करे, अगर शैतान गुमराह करे तो अल्लाह, अगर अल्लाह गुमराह करे तो हिदायत कोई भी नहीं दे सकता। थैंक यू सो वेरी मच। तो बड़ा शैतान कौन हुआ? अल्लाह चाह रहे हो सर? मैं नहीं कहना चाह रहा, कुरान कहना चाह रहा आपके सामने। अगर शैतान गुमराह करे तो तुम हिदायत दे सकते हो, मोहम्मद हिदायत दे सकता है, कोई और स्कॉलर हिदायत दे सकता है, कोई भी हिदायत के रास्ते पे लेके आ सकता है, ठीक है? अल्लाह कुरान में कहते थे जिसको मैंने गुमराह कर दिया कोई हिदायत नहीं ला सकता। तो अल्लाह खुद शैतान से बड़ा शैतान हुआ कि नहीं? अकबर शैतान इन्नल्लाह, बेशक सबसे बड़ा शैतान अल्लाह ही है, कुरान के मुताबिक बात कर रहे हैं। आंखें खुली क्या इकबाल हाफिज साहब? मैंने लिख लिया, हाँ जो भी है, मैंने लिख लिया, इसे रिसर्च करूंगा। लिखना क्या है? सामने पड़ा हुआ, लिखना क्या है? मेरा चैलेंज है तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है। हाय 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 हाय, क्या बात है! साबित करने वाला इंसान कुछ भी साबित कर सकता है। नहीं सर, साबित करने के लिए एविडेंस सामने पड़ा हो तो ही साबित कर सकता है, अगर एविडेंस सामने ना हो तो नहीं हो सकता। नहीं, आप कह रहे हो अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहे उसे कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। मैं नहीं कह रहा अल्लाह के, हाँ कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है तो अल्लाह कह रहा है, इसमें बुराई क्या है फिर? इसमें बुराई क्या? यानी कि तुम मुझे कह रहे हो कि अल्लाह गुमराह करता है और इतना अच्छा गुमराह करता है कोई उसे हिदायत नहीं दे सकता, तो फिर अल्लाह बाबा जी का ठुल्लू आखिरत में जन्म क्यों भेजेगा? वो मैं अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा, अल्लाह कुत्ती के बच्चे गुमराह तूने किया, हदायत मुझे कोई दे नहीं सकता, तो बहन के एल तू अब मुझे जन्म क्यों भेज रहा है? लाइक खुद सोचो यार, खुद सोचो, अगर तुम्हें गुमराह करने वाला तुम्हारा टीचर हो, ठीक है, और फिर तुम गुमराह हो के एग्जाम में वही लिखो जो तुम्हारे टीचर ने बताया था, तो एंड में टीचर तुम्हें जीरो मार्क्स दे, तो तुम टीचर का मुंह नहीं तोड़ दोगे जाके? साले पढ़ाया तूने मुझे ये था, नोट्स तूने मुझे ये दिए, गुमराह तूने मुझे किया, एंड में इम्तिहान में तू फेल क्यों कर रहा है? सोचो ना इकबाल साहब। नहीं, टीचर की बात अलग है, वो तो गेम नहीं जानता ना, गेम में क्या क्या नहीं है। और अरे तो अल्लाह गैब जानता, अल्लाह गैब जानता, नहीं जानता फिर जानता है अल्लाह के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर से ज्यादा है, फिर अल्लाह क्यों गुमराह कर रहा है? अल्लाह ने दुनिया टेस्ट बनाया, ये
टेस्ट में जाते जब फेल करने के लिए इम्तिहान देने के लिए तुम्हें जो है वो गुमराह करी जा रहा है, तो फिर अल्लाह के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर से? टीचर तो फिर भी गैब नहीं जानता, अल्लाह तो गैब जानता है, अल्लाह तो यकी का पार्ट अदा कर रहा है इसका मतलब है यहाँ पे। इकबाल भाई सदमे में आ गए, इकबाल साहब सदमे में आ गए हैं। ये वो खैरुल माकिन वाली जो आयत है वो यहाँ पर नहीं सर बैठती? नहीं ठीक नहीं बैठती। चलो क्या, चलो मुर्तद हो गया मैं बस। नहीं ऐसा हाँ। नहीं यार, हमारी खुशी के लिए नहीं, अपनी नहीं, खुशी मैं से तो कह रहा हूँ ना जो भी है अभी तो लिख लिया है, अच्छे से रिसर्च करूंगा इस पे, उसके बाद आके बात करता हूँ। ठीक है ठीक है, चलिए टेक योर टाइम। सिर्फ एक चीज याद रखना कि जो गुमराह करने वाली एंटिटी होती है उसको हम अच्छी एंटिटी नहीं कहेंगे। तो एक खुदा से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अपने बंदे को गुमराह करे। हाँ अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, अगर टेस्ट वाली आइडियोलॉजी को आप लेके चल रहे हो और उसका जीरो इन्वॉल्वमेंट हो, जीरो, तो फिर भी एक बार चलो टेस्ट वाली बोंगी को भी हम एक बार कबूल कर लेंगे। लेकिन टेस्ट भी कह रहा है और उसके बाद फिर वो गुमराह भी करे, देन ही इज नॉट अ गुड एंटिटी, सो ही कैन नॉट बी गॉड। इस पे ध्यान रख के फिर अपना रिसर्च करना। ठीक है इकबाल भाई? ठीक है मैं कह रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, चलिए हम इंतजार करेंगे, हमारे हाफिज साहब जल्द से जल्द इस्लाम छोड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई समझदार रहेगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो इस्लाम छोड़ दे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। हाफिज साहब आते रहिएगा। जी जी थैंक यू। अच्छा मैं एक बात कहूँ आपसे? जी जी फाइन जल्दी से। हाँ मैं कह रहा हूँ एक सीरीज निकालो ना ये बरेलवी के ऊपर भी, मतलब ये मतलब बहुत दावा करते हैं कि हम बहुत बरेलवी कौन है? बरेलवी कौन है? ये बरेलवी जो रहते हैं ये कौन है? बरेलवी आला हजरत को मानने वाले है। कौन है मुस्लिम है? ये भी आला हजरत को मानने वाले हैं। मुस्लिम मुस्लिम है ना, कुरान यही है ना उनके पास? हाँ ओके। जब अल्लाह शैतान है, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो मलोलवी हो, चाहे वो चड़ेलवी हो, चाहे वो ट्रोलवी हो, डजंट मैटर। दुनिया के सारे फिर क्या इकट्ठे कर लो, ले आओ, आई डोंट केयर। हाफिज साहब हम लोग अल्लाह लेवल पे बैंड बजा रहे, तुम यार बरेलवी छोटी सी एक एंटिटी नहीं, जो भी है मतलब एक खास में आप लोगों से विनती है, मतलब ये मतलब बहुत दावा करते हैं, मतलब क्या कहते हैं हम ही हंसते हैं। ओ यार लो आईक्यू, ओ लो आईक्यू, मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ, तू मुझे कह रहा है कि कुरान को मानने वालों में से एक मजहब इस्लाम जो कि हनफी है उसकी सबसेक्ट की सबसेक्ट जो कि बरेलवीज्म है उसको डिस्ट्रॉय करूं? क्यों तू मैं पत्तों को तोड़ू? मैं जड़ काट रहा हूं, तू कह रहा पत्तों को तोड़? तुम्हारी जड़ कहां है? अल्लाह पे, कुरान पे। इधर मैंने जड़ काट दिया, तू कह रहा पत्ते तोड़? दरख्त काटना है तो जड़ को तोड़ना है पत्तों को? यहां पे मैं पूरा दरख्त का दरख्त उखाड़ के फेंक रहा हूं, तू कह रहा पत्ते काट? यार खुद सोच, तेरा आईक्यू 25 है? नहीं आप लोग चैलेंज कर रहे हो ना, तो एक खास वीडियो बनाओ चैलेंज के तौर पे, इसलिए मैंने कहा ना आपसे। अबे क्या हो गया? अच्छा, साहिल को समझा इसे क्या नहीं, असल में एडम साहब हमारे जो हाफिज साहब है वो ये नहीं कह रहे कि बरेलवियत को एक्सपोज करो, वो ये कह रहे हैं कि बरेलवी मौलाना को पकड़ के तोड़ो। हाँ मेरा मतलब ये है, जैसे ये एक है बरेलवियों में अल्लाह। भाई बात सुन, मैंने यहाँ पे तेरे अल्लाह को तोड़ दिया है, तू कह रहा बंदे तोड़? अरे भाई मुझे किससे कुछ लेना देना नहीं, मैंने कहा मैं अपने काम से मतलब रखना है बस। हाँ कोई नमाज वमाज दूसरों के साथ सीरियस नहीं हूँ मैं, सच कहूँ तो, समझे? चलो हाफिज साहब, लेकिन आपने तहकीक करके आपने इधर आके जो है ना अपनी वो देना है, टेस्टिमनी देना है आपने छोड़ दिया करके, ठीक है जी? हाँ बरेलवियों को हम देख लेंगे, टेंशन ना ले, एक हाथ रखे आप लोगों की विनती है, मैं इनको तड़पने देंगे। बस बस अभी शुरू मत हो जाओ, मैंने ले लिया है आपकी रिक्वेस्ट, चलो ओके। मिलकर तोड़ेंगे, कोई बात नहीं, मुर्तद होके मिलकर तोड़ेंगे जरूर जरूर। हाफ मुर्तद है, फुल मुर्तद भी हो जाएंगे हमारे भाई।
इन लोगों को खास चैलेंज करो, मतलब बहुत उछल जा यार, घर जा यार, कमाल है यार। फिर उसकी सुई वहीं की वहीं है, फिर उसकी सुई वहीं की वहीं है। इस चीचा के साथ क्या किया क्या मालूम है। लगता बचपन में ना इस बरेलवी मदरसे में इसकी भी बज गई थी बेचारे की। ये सोचा किसी तरीके से कोई बरेलवी को पकड़ के उसकी वजह अच्छे तरीके से।